एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक कुंदर की स्थित गुरेर गांव पहुंची। लगभग 7000 की आबादी वाली इस ग्राम पंचायत की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी केवल 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में जाफरीन ने इस गांव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। प्रधान जाफरीन का यह गाँव बेहतर स्थिति में नजर आया। गाँव में प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल भी बेहतर स्थिति में नजर आए, तो वहीं गाँव में ग्रामीणों के लिए हैंडपंप, बिजली के पोल व बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगे दिखाई दिए। इस ग्राम पंचायत में कुल वोटरों की संख्या लगभग 4800 बताई गई। साथ ही साथ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बेहतर नजर आई। उन्होंने अपने गांव में कूड़े को अस्त व्यस्त न होने से बचाने के लिए जगह जगह डस्टबिन भी लगवाए हैं। इसी के साथ उन्होंने सीसी सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही सोलर लाइट भी गाँव के ग्रामीणों को वितरित किए हैं, जिससे उनको अंधेरे में जीवन व्यापन न करना पड़े। ग्राम प्रधान ने कैमरे के सामने बात करते हुए बताया कि उनको अभी भी अपने ग्राम में विकास के लिए इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत व एक सामुदायिक केंद्र की सरकार से दरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द फंड मुहैया कराए, जिससे वे अपने गांव को और भी ज्यादा विकास के मार्ग पर अग्रसित कर सकें। ग्रामीणों ने भी कैमरे के सामने प्रधान द्वारा करे गए विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही बताया कि प्रधान बहुत अच्छे तरीके से विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द प्रधान के हाथों में फंड भिजवाए, जिससे वे हमारी तरक्की के और भी रास्ते खोल सकें। आदाब, ग्राम प्रधान जाफरीन नूरहसन पुत्र ग्राम प्रधान गुरेर विकासखंड कुंदर की थाना मनाठी। भैया, जिस दिन से मैंने अपने गांव का चार्ज संभाला है, उस दिन से विकास स्तर में काफी वृद्धि हुई है, शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है और इस विकास स्तर में वृद्धि हुई है। निरंतर जिस दिन से मैंने कार्यभार संभाला है, लगातार विकास चल रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मैं काफ़ी आभारी हूँ, जो उन्होंने विकास के लिए इतना योगदान दिया है। मेरी ग्राम पंचायत में तकरीबन लगभग 45 हैंडपम्प है, जिसमें से 19 मैं रिवोर करा चुका हूँ। प्राइमरी स्कूल, जूनियर पाठशाला और मिलक में मेरा एक प्राइमरी स्कूल है, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। चार दीवारी का कार्य प्रगति पर है और केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो हम लोगों को अनुमति दी गई है कि सरकारी बिल्डिंगों की मरम्मत कराएं, उस पर हम विशेष पर ध्यान दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, सारी बिल्डिंगों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल की चार दीवारी, जूनियर स्कूल की प्राइमरी की चार दीवारी विकास स्तर पर है और मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही मांग करता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत की जनसंख्या तकरीबन 9000 है और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे यहाँ एक शादी हॉल और एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराने की कृपा करें। और हमारे यहाँ एक चिकित्सा केंद्र है, जिसकी हालत काफ़ी खस्ता है, उसके लिए हमने सचिव जी से बात की, उन्होंने अभी हमें अनुमति दे दी है कि आप उसकी मरम्मत करा सकते हैं, तो उसके भी हम मरम्मत जल्दी पूरी करा देंगे। जब से परेशानी आई है, 1.5-2 साल हो गया, तब से हमारा काम अच्छा हुआ, गाँव का विकास हुआ, लाइटें हैं, खरंजे सीमेंटेड, काफ़ी अच्छा हो गया।